ये शॉप अंदर से बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है इसकी, और मेरे लेफ्ट में काउंटर है, काउंटर के ऊपर लाइट्स बड़ी प्यारी लगी हुई हैं, और सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हो आप कितना सुंदर है। जितनी शॉप आपकी खूबसूरत होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, तो पूरी शॉप को आपका है ना खूबसूरत बनाने पर ध्यान देना है कि काउंटर का स्पेस सबसे प्यारा होना चाहिए, ताकि कस्टमर को है ना याद रहे कि वो इस लोकेशन पे आए थे और यहाँ पे साफ सफाई कितनी है, तो कस्टमर ज़्यादा परचेज करते हैं उस जगह से। बीस बाय चालीस की शॉप बनकर तैयार है। मेरे बैक साइड में ये दा समीर मॉल है, इसको हमने तैयार किया है और ये बहुत ही प्यारा शोरूम है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 20x40 का ये शोरूम राजस्थान में मैंने बनाया है। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगा और ये टाइम लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत बन चुका है। तो इसमें है ना काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या कॉस्टिंग आई है इसको बनाने में, काउंटर एरिया कितना दिया है मैंने, फर्नीचर एरिया कितना दिया है, और ये लाइट्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको। और स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो अपनी शॉप को इतना खूबसूरत बनाओ कि जैसे ही कस्टमर अंदर आए ना उनको भी अच्छा फील हो, और आप जब बैठे हो ना तो आपको मनहूसियत ना लगे, थोड़ा है ना अच्छा लगे, ऐसा लगे 5 स्टार होटल में बैठे हो। 1-1.5 लाख का खर्चा होगा मतलब खूबसूरत बनाने में उसे, लेकिन वो वसूल हो जाएंगे 1 साल के अंदर। स्टार्ट करते हैं काउंटर एरिया से, या बिलिंग एरिया से हम कह सकते हैं। ये मैंने लगभग 10 फुट का पूरा एरिया दिया है, और इस 10 फुट के एरिया में आप देख सकते हो काउंटर का जो फ्रंट डिज़ाइन है कैसे किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऐसा डिज़ाइन आप कराओगे ना तो एक बड़ी प्यारी लुक आ जाती है। काउंटर के ठीक ऊपर है ना मैंने मार्बल का पत्थर रखवाया था, और इसकी कॉस्टिंग लगभग 10,000 रुपये है। ये 10 फुट लंबा है और 2 फुट चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ड्रॉर्स है ना, बड़ा प्यारा सिस्टम है ये काउंटर के अंदर है ना। पहले कुंडा हुआ करता था, वो सिस्टम हट गया, अब पुश बटन वाला आता है ना, इस तरीके से आप इसे आगे की तरफ धकेलोगे अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये है कीबोर्ड ड्रॉर का पोर्शन, ये भी आप इसमें ऐसे डिज़ाइन करवा सकते हो। इसके ठीक सामने कंप्यूटर आ जाएगा, और यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉर दी है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है, जब बिल होगा वहाँ पे ये ड्रॉर अपने आप ओपन हो जाएगी। अब आपको काउंटर के इस पोर्शन पे लाता हूँ। देखो यहाँ चार्जिंग के हमने पॉइंट दे दिए, जगह ख़राब हो रही थी, हमने पूरा यूटिलाइज़ किया इसे। काउंटर के पास ये स्विच बोर्ड होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके बाद जैसे अगर आप ये देख सकते हो यहाँ पर है ना पिंक लाइट लगाई, तो सर का फेवरेट कलर पिंक था तो हमने यहाँ पिंक दे दिया, लेकिन व्हाइट लाइट लगाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये। और ये येलो कलर की पीओपी हो रखी है इसमें, ठीक है, और ये गैप है तो यहाँ पे लाइट्स आ गई, ठीक है। इसके ऊपर है ना एसी दे दिया है, और एसी के पास है ना कैमरा लगाया, वो कैमरा यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रहा है इस काउंटर को, कि मतलब इसको देख पा रहा है वो पूरा। सेकेंड थिंग, ये भी पीओपी का वर्क है, नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है, आप देख सकते हो कैसी लुक है इसकी। जैसे ये काउंटर ख़त्म होता है यहाँ से है ना फर्नीचर स्टार्ट है, और ये हैंगिंग सिस्टम दिया गया है, 6 फीट वाइड है ये, तो इसमें है ना आप पूरा सामान अपना हैंग कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपका सामान है। इसमें साइड जाली भी दे दी गई है ताकि सामान है ना नीचे ना गिरे। इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखो, सीलिंग की लाइट, फोकस लाइट लगाई गई है, अगर आप जो लाइट लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। बाकी इसमें सर का बजट अच्छा था तो सर ने कहा कि हम फोकस लाइट लगाना चाहते हैं, तब हमने यहाँ फोकस लाइट लगा दी है। बाकी ये 1x1 के पैनल भी लगा सकते हो आप, ये 500 से 600 रुपीज़ का पर पैनल पड़ता है। और फोकस लाइट की भी कॉस्टिंग हर जगह अलग है, तो आप वो आप सर्च कर सकते हो उसको। इसके बाद ये सेंटर रैक है, यहाँ पर हमने पूरा वॉकिंग डिस्टेंस दिया है। अगर मैं इसे पीछे से व्यू दिखाऊँ इसका शॉप का, तो इस शॉप में देखोगे आप 2 सेंटर रैक हैं और वॉल रैक हैं, सामने ना 2 आप डोर देख सकते हो। जो ये डोर है ना बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे तो ये बहुत ही गंदे लग रहे थे, लेकिन ये ज़रूरी भी थे क्योंकि ये स्टोर रूम है सर का, और ये सर का घर का रास्ता है, तो मैं दोनों को बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग कर दिया है। गाना सुन के ये पूरा डोर हमने बनवाया है अपने मिस्त्रियों से, तो येलो प्लस ब्लैक कलर में इसे डिज़ाइन किया। इसकी बाउंड्री है ना ब्लैक में डिज़ाइन की है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। थोड़ा सा ये पोर्शन बच रहा था तो ये पेंट ही किया, जो शॉप में पेंट हो रहा था वही पेंट है। अब इसके बाद देखो, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे डोर खत्म हो रहा है, यहाँ से हमने रैक स्टार्ट कर दिए कॉर्नर कटिंग वाले, ये मेटल के रैक हैं। इस पूरी शॉप के अंदर जो मेटल के रैक की कॉस्टिंग है ना लगभग 3.5 लाख रुपये आई है, कहीं कहीं पे 4 लाख 5 लाख आती है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा है। शॉप ज़्यादा मतलब लेंथ में होगी तो कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह की कॉस्टिंग अलग आएगी। और यहाँ पर हमने है ना एंड कैप दिया, तो यहाँ पे कप वगैरह टांग सकते हैं या कुछ भी टांगने का सामान आ जाएगा, बेल्ट आ सकती है,
मल्टीपर्पज़ है ये रैक, कुछ भी आप टांग सकते हो इस पर।